जय श्री राम सभी भक्तों को। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है ऐसे नाम जप करो। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि भगवान स्वयं आकर के आपको रास्ता दिखाएंगे, यानी कि कोई भी आपके जीवन में समस्या आ गई तो उससे आपको भगवान स्वयं बाहर निकालेंगे। सभी जानते हो कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। नाम यदि आप निष्ठा से, संयम से, विश्वास से जप रहे हो तो भगवान हर समस्या का समाधान स्वयं करते हैं, चाहे वो करे किसी भी रूप में आकर के। एक उदाहरण से समझिए, जिस प्रकार सूरदास जी को रास्ता बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए थे, इसी तरह वे भक्ति का आश्रय लेने वालों को आगे आगे रास्ता बताने के लिए आ जाते हैं। यानी कि जो भगवान का नाम जप करते हैं निरंतरता से, उनको रास्ता बताते हैं। जब सूरदास जी बेल के कांटों से आंखें फोड़कर जंगल जंगल में भगवान के दर्शन की लालसा में घूम रहे थे, उस समय भगवान ने बालक के रूप में आकर उनको अपने हाथों से मिठाई दी। उस दुर्लभ प्रसाद को पाकर सूरदास जी का हृदय आनंद से छलकने लगा। उनके पूछने पर बालक साधारण परिचय देकर चला गया। एक दिन जब वह फिर आया तब वृंदावन ले चलने की बात हुई। वह सूरदास जी की लाठी पकड़कर उन्हें मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे चलने लगा। सूरदास जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उनके शरीर में प्रेमानंद की बिजली सी दौड़ गई। वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान ही हैं। उन्होंने भगवान का हाथ और भी जोर से पकड़ा, पर भगवान ने झटका देकर छुड़ा लिया। उस समय सूरदास जी ने उनसे कहा, मेरे प्राण धन, तुम मुझे निर्बल जानकर हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है। तुम्हारा पौरुष तो मैं तब जानूं जब तुम मेरे हृदय से चले जाओ। कितना आत्म बल है प्रेम की सुदृढ़ रस्सी से, जिन्होंने हृदयेश्वर को अपने हृदय में बांध रखा है, उनके हृदय से भगवान कैसे जा सकते हैं। भगवान को उन्होंने प्रेम रूपी डोर से बांध लिया। उनके दृढ़ नाम जप से, निष्ठापूर्वक नाम जप से और उनके प्रेम को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और अपना साक्षात दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। तो प्रेमी साधकों, आप भी चाहते हो कि सूरदास को जिस तरह से रास्ता दिखाया भगवान ने, लेकिन देखो रूप भेष बदल कर आए, बच्चे के रूप में आए, तो आपको भी वो रास्ता दिखाने जरूर आएंगे, लेकिन इतना निष्ठा पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा जैसे सूरदास जी ने नाम जप किया। जो किसी भी परिस्थिति में नाम जप आपका छूटे नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, तैले धारा की तरह, जैसे कि निरंतर हमारी सांसें चल रही हैं, कभी भी वो विराम नहीं ले रही हैं, तो उसी तरह हर श्वास में हमें भगवान नाम का जप करना है। तो फिर देखो आपके जीवन में भी अवश्य ही चमत्कार होगा और भगवान आपको हर दुख से, हर समस्या से स्वयं आकर के बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कृपा करते नहीं बताते, बन जाते अनजान भगत के वश में हैं भगवान, वो आपके वश में हो जाएंगे। और अनेकों उदाहरण है, अभी हमने जो उदाहरण बताया सूरदास के वश में हो गए वो, ऐसा नाम जपा सूरदास ने। तो ऐसा जो नाम जपता है निष्ठा से और निरंतरता से,
तो निश्चय ही उनके वश में हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर मान बड़ाई नहीं लेते, कर भी देते हैं और नाम भी नहीं होने देते हैं। तो बस आप नाम जपते रहो, निश्चित तौर से आपके भी सब दुख दूर होंगे, सब समस्याएं दूर होंगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने जीवन में उतारें, निष्ठापूर्वक निरंतरता से नाम जपें, हर श्वास में जपें, और लोगों के पास भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। और कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, सुबह 4:30 बजे लाइव आते वहाँ पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर पर कोई प्रश्न समस्या वहाँ पूछ सकते हो। यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9958515054 पर। और यदि हमसे मिलना चाहते हो, सत्संग सुनना चाहते हो, साधना सीखना चाहते हो, आकर के गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, तो 23 जून को दिल्ली में शिविर है, एक दिवसीय, तो अपना नाम इसी नंबर पर लिखवा दे कि हम आना चाहते हैं, नहीं लिखवाओगे तो नहीं बुलाया जाएगा, सीटें लिमिटेड है, जल्दी करें, देरी ना करें, सब कुछ फ्री में वहाँ सिखाया जाता है, किसी भी चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन यदि कोई अपनी स्वेच्छा से सत्संग के आयोजन के लिए, भंडारे के लिए कोई भी सेवा देना चाहता है तो उसके लिए मनाही नहीं है। तो नंबर नोट कर लो 9643745467, और ये दोनों नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।